हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ खीर की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो आज की हमारी रेसिपी का नाम है गुलाबी खीर। इसी के साथ मोनिकास DIY में आपका स्वागत है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुलाबी खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध लेंगे, 2 मीडियम साइज की गाजर ग्रेट की हुई, 1/4 कप चावल, 3/4 कप यानी पौना कप चीनी लेंगे और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे और 2 छोटी इलायची लेंगे। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इलायची के बीज के दाने ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई में दूध डालकर गैस पर रखेंगे और दूध को गर्म होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध यूज़ किया है। दूध में बॉयल आ गया है तो अब सबसे पहले हम इसमें इलायची के दाने डालेंगे। इलायची से खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और फिर साथ ही इसमें हम चावल भी डाल देंगे। तो चावल को मैंने धो लिया था। और फिर ग्रेट की हुई गाजर भी डाल देंगे। गाजर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा गुलाबी कलर आएगा और साथ में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपने कभी इस तरह से खीर को ट्राई नहीं किया तो एक बार इस खीर को जरूर ट्राई करें, आपको ये खीर बहुत ही अच्छी लगेगी। और फिर इन सबको हम पकने देंगे। तो अभी खीर गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी सी और हम इसको गाढ़ी करेंगे। साइड में जो भी मलाई जमती जाए उसको भी बीच में ही डालते जाएं, इससे खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो अभी अच्छे से खीर गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ में हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है और फिर से इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो टेस्टी गुलाबी खीर बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना सुंदर कलर है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। गुलाबी खीर बनकर तैयार है। आप इस खीर को गर्म भी खा सकते हैं और ठंडी भी, ये दोनों ही तरह से बहुत टेस्टी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।